दिस इज ज्योतिका चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम घर पर ही गिल्सरिन किस तरीके से बना सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम सीख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। सो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, एंड तक देखें। सो इसको बनाने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले चाहिए होगा कोकोनट ऑयल, आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। एंड फिर हमें इसको गर्म करना है। गर्म करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ तड़का पैन, आप कोई सी भी कटोरी में इसको गर्म कर सकते हैं। एंड फिर मैं इसमें 2 चम्मच के करीबन ऑयल यूज कर रही हूँ, आप जितना बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। एंड फिर हमें इसको चढ़ाना है चूल्हे पे, याद रखें कि गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है। एंड फिर इसको इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा नॉर्मल पानी, याद रखें कि हमने इसमें 2 चम्मच के करीबन कोकोनट ऑयल यूज़ किया था तो 1 चम्मच के करीबन ही पानी यूज़ करना है। जितना ऑयल डालते हैं उससे आधा हमें पानी यूज़ करना है। एंड तड़कने पर इसको बंद कर देना है। एंड आप इसको थोड़ा सा ध्यान से मिलाएं क्योंकि हमने इसमें पानी और ऑयल को साथ में ऐड किया है, तो साथ में ऐड करने पर ये बहुत ज़्यादा तड़कता है। एंड लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको गर्म करते जाना है। एंड याद रखना है कि तड़का पैन को थोड़ा सा गैस से ऊपर रखना है जिससे कि ये थोड़ा सा कम तड़के। एंड फिर हमें इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा नमक, याद रखें कि मैंने इसमें नॉर्मल नमक यूज़ करना है, सेंधा नमक या फिर काला नमक यूज़ नहीं करना है। एंड चुटकी भर के करीबन हमें इसमें नमक ऐड करना है। एंड फिर इसको भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस नमक को मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि धीरे धीरे मिक्स होगा। अगर आप इसको मिलाते रहोगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है एंड इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट येलो हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमें इसको तब तक मिलाते जाना है जब तक कि आपको नहीं लगे कि गिल्सरिन की तरह दिखने लगा है। अब शायद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक गिल्सरिन की तरह दिखने लगा है। एंड अगर आपका नमक आसानी से नहीं घुले तो आप पानी, थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी में नमक को घोल के फिर पानी ऐड कीजिए जिससे कि हमारा नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। एंड अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू।